नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो पहले बजट का 25% शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। जिस तरीके की शिक्षा नीति दिल्ली सरकार में है, उसी तरह की शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। योगी सरकार पर हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के स्तर पर उत्तर प्रदेश विफल रहा है। बीते 5 सालों की बात करें तो प्रदेश की शिक्षा नीति में योगी सरकार नाकाम है और अब बदलाव की जरूरत है। मनीष सिसोदिया